छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों की अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। शहरों में नए विकास कार्यों और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम धमतरी, नगर पालिका गोबरा नवापारा तथा नगर पंचायत राजिम में सीवरेज योजना प्रारंभ की गई है। नगर पालिका परिषद कांकेर चांपा और नगर पंचायत सिमगा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य अंतिम चरण पर है। नगर पालिका कुम्हारी, शक्ति दंतेवाड़ा, नगर पंचायत चंद्रपुर और शिवरी नारायण में भी एसटीपी स्वीकृत है। इस दौरान उन्होंने 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों और उसके निराकरण की स्थिति की जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री साव ने यह भी कहा कि 13 नगरीय निकायों में 250 सीटर तथा 500 सीटर लाइब्रेरी निर्माण के लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आप सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नगरीय निकायों में हमारी सरकार बनने के बाद जन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार हमने काम किया है। अब तक हमारी सरकार बनने के बाद हमने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग योजनाओं से 12,050 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को मुहैया कराई है और अभी जो शिविर में समस्याएं आई है उन समस्याओं के निराकरण के लिए 900 करोड़ रुपया जारी करने का निर्णय हमने लिया है, जिससे इन समस्याओं का निराकरण होगा। 450 करोड़ रुपए अधोसंरचना के मद से और 450 करोड़ रुपए की स्वीकृति 15वें वित्त के मद से हम करेंगे, ताकि नगरी निकाय की जो मूलभूत मांग और समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। सभी नगरी निकाय में 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक हमने जन समस्या निवारण पखवाड़ा लगाया। इस पखवाड़े के दौरान मैं भी अनेक शिविरों पर जाकर लोगों की समस्याएं जानी और हमारे विभाग के भी उच्च अधिकारी भी लगातार शिविर में गए, बैठकें की, बातचीत किया। जिलों के कलेक्टरों भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और एक अच्छा पखवाड़े के आयोजन, लोगों के समस्याओं के लिए ये शिविर साबित हुआ। जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों तक गए, लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान 1,30,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 48,000 आवेदन यानी लगभग 37% आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस शिविर के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 17,512 आवेदन पत्र आए, 1,181 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण हुआ। पेयजल से जुड़े 5,573 आवेदन पत्र आए, 1,233 का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस दौरान लोगों के शिकायत के अनुसार नल के कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का भी लगातार निराकरण किया गया। शिविर के दौरान डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, नाली की सफाई निकासी, साफ सफाई से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए संपूर्ण व्यवस्था निकायों के द्वारा की गई थी और 1796 आवेदन में से 1,127 का शिविर के स्थल पर शिविर के दिन ही निराकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बहुत सारी शिकायतें आई, 2,263 आवेदन आए, उसमें से 570 का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया गया और राशन कार्ड, राशन वितरण से संबंधित त्रुटि सुधार और राशन कार्ड नए बनाने का भी 21,700 आवेदन आए, उसमें से 11,541 का मौके पर ही निराकरण किया गया। आप सबको यह भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति 5 निकायों में मिली है, कोरबा, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर में। उसके साथ ही शेष 160 निकायों के लिए भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी योजनाएं बन रही है। आने वाले समय में भी उम्मीद करते हैं कि उसकी स्वीकृति मिलेगी।
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत 6 निकायों नगर निगम चिरमिरी, नगर पालिका परिषद रतनपुर एवं तखतपुर, नगर पंचायत छुरिया, मल्हार और डौंडी लोहारा हेतु 416.18 करोड़ की जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तेज गति से चल रहा है। 5000 आवास प्रति महीने हम बना रहे हैं, लोगों को आवास मिले इसके लिए भी तेज गति से हमारा काम हो रहा है। आप सब ने भी लगातार जन समस्या निवारण पखवाड़ा में कवरेज किया है, लोगों को जागरूक किया है और इसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। हम नगरी निकायों को सुविधा पहुंचाने के लिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए, जन सरोकार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। नगरी निकायों में मौलिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार का पूरा पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और नगरी निकायों को हम तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।